दीजिए 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 हाँ, के साथ बैठकर मैं भी महामूर्ख हो गया, और इसके लिए मैं आपकी मूर्खता को प्रणाम करता हूं। सैफ ही इटावा से आता हूं, नाम मेरा गौरव चौहान है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई बीन राइटिंग पोएट्री सिंस 2005। अरे अंग्रेजी मैंने इसलिए बोली ताकि आपको ये पता चले कि सैफ ही के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। स्वरों में शौर्य के लेकर यहाँ उद्गार आया हूँ। मेरा डर खत्म कर देना, बनारस के लोगों आप बड़े महान हो, आप देश को प्रधान। मैं शौर्य के लेकर यहाँ उद्गार आया हूँ, यहाँ तक मैं कई नदियों को करके पार आया। और अगली दो पंक्ति में मेरा डर खत्म करना कि तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। यहां इस घाट पर मैं तो पहली बार आया। क्या बात है, ऐसा नहीं बोलने का, बचा है। अब औकात सुनो, पाकिस्तान जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, क्या औकात है तुम्हारी। अगली पंक्ति महामूर्ख सम्मेलन को उठा देना मित्रों, कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और अगली पंक्ति बनारस में खड़े होकर पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं, और अगर बनारस में खड़ा हूं तो पंक्तियों को अमर बना देना, तालियां ऐसी देना कि मेरी कविता इस बनारस की धरती पर धरने हो जाए। क्योंकि उदाहरण कहां से दे रहा हूं सुनना, कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना तैयार है ना, जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा दे। बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां मैं देख रहा हूं कुछ नौजवान लड़के बैठे हैं, कुछ नौजवान लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को इससे अच्छी औकात में नहीं बता सकता। पंक्तियां संभालना, अरे जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज। नेता उठाता हूं साउथ इंडिया से, खड़गे चिदंबरम। खड़गे चिदंबरम यदि सीमा पे गए तो, खड़गे चिदंबरम यदि सीमा पे गए तो लुंगी डांस अपना दिखा के मार डालेंगे। अगली पंक्ति पर फिर उठाना, लुंगी डांस अपना दिखा के मार डालेंगे। और यदि लालू जी भी चले गए सीमा पे तो भैंस वाला गोबर सुंगा के मार डालेंगे। और सिद्धू जी हमारे यदि चले गई बॉर्डर पे तो ठोको ताली शायरी सुना के मार डालेंगे। और आखिरी पंक्ति देश के महान नेता को समर्पित करता हूं, सिद्धू जी हमारे यदि चले गए बॉर्डर पे तो ठोको ताली शायरी सुना के मार डालेंगे। और यदि राहुल जी चले गए बॉर्डर पे तो वो तो सिर्फ आंखियां चला के मार डालेंगे। भाजपा वालों से मैं सैफई का हूं, वो हमारे मित्र रहे बचपन के, हमने साथ क्रिकेट खेली है, और आपने बंगला ऐसे खाली कराया। हमारे भैया बंगला खाली कर कर निकल रहे थे, उनके दिल से गाना फूट पड़ा। वो गाना सुनिए, हमारे भैया गाना गा रहे थे, हम लाए हैं मकान से टोटी उखाड़े। मुझे दर्द हुआ सुन के। अगली पंक्ति बनारस संभालना, हम लाए हैं मकान से टोटी उखाड़ के इस बंगले को रखना मेरे योगी संभाल के। इस बंगले को रखना। स्वागत है, स्वागत है। पत्रकार पहुंचा भैया के पास, बोले बहुत गलत किया उस महिला ने आपके साथ, बहुत गलत किया। लोग चुनाव के पहले गठबंधन तोड़ते, उन्होंने चुनाव के बाद तोड़ा।
अखिलेश ने कहा शट अप पत्रकार से, आप बुरा मत मानो पत्रकार महोदय, शट अप। राजनीति अपनी जगह, वो मेरे लिए पहले भी सम्मानित थी और आज भी सम्मानित है। और ऐसे कहते कहते वो इमोशनल हो गए। उन्होंने जेब से फोटो निकाली बहन जी की और फोटो देखकर गाया, खुश रहे तू सदा, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। अगली लाइन, बेवफा ही सही पर बुआ है मेरी। जा मैं तन्हा रहूं तुझको साथी मिले, फिर कहीं और बैठा ये हाथी मिले। तेरी राह से राहें जुदा है मेरी, बेवफा ही सही पर बुआ है मेरी। अब पत्रकार बुआ जी के पास पहुंच गया, ये क्या किया बुआ जी आपने, कितने समर्पण के साथ आया था वो, और ये धोखा। बुआ जी ने छंद पढ़ा कि दो चार प्याज मिर्च ब्रेड में फंसा दिया। ये सब हुआ क्यों कि दो चार प्याज, आनंद लेना, थोड़ा जुड़िए, हम देश के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े पेमेंट करते हैं, यहां फ्री में आए हैं। ये सांड बनारसी जी हैं, हमने देश के बड़े बड़े नेताओं को लपेटा, आपके बनारस के भी बड़े बड़े नेताओं को लपेटा। चार प्याज मिर्च ब्रेड में फंसा दिया हो, चीज ना मिली हो ऐसा पिज्जा किस काम का, चीज ना मिली हो ऐसा पिज्जा किस काम का। और आते ही चुनाव गेस्ट हाउस वाले कांड पर, मेरे लिए दिल भी पसीजा किस काम का, मेरे लिए दिल भी पसीजा किस काम का। और यादवों की वजह से पीएम का खाप टूटा, यादवों ने वोट ही नहीं दिया। यादवों की वजह से पीएम का खाप टूटा, 10 सीटों वाला भी नतीजा किस काम का। अंतिम पंक्ति संभालना कि 10 सीटों वाला भी नतीजा किस काम का, 10 सीटों वाला भी नतीजा किस काम का। और अपनी पत्नी को ही जो हार से बचा ना पाया, बुआ के लिए ऐसा भतीजा किस। 6-7 सालों से खाने लगा हूं क्योंकि मेरे युग पुरुष केजरीवाल फैलाने लगे। क्या महान व्यक्तित्व है भाई साहब, इतने महान व्यक्तित्व, मतलब कुछ भी हो जाए, दिल्ली में नाला गंदा हो, दिल्ली में कूड़ा हो जाए, जिम्मेदार मोदी। अस्पताल खराब, जिम्मेदार मोदी। शिक्षा खराब, जिम्मेदार मोदी। इतने आरोप लगा चुके हैं मोदी जी पर केजरीवाल साहब कि अब कोई आरोप बचा नहीं। क्या बात, लेकिन शायद एक आरोप बचा है जो वो कभी भी लगा सकते हैं। वो कभी भी कह सकते हैं, मोदी जी मैं आपके बच्चे की मां बनने वाला हूं। तेरा नाम दिया। अब मोदी जी सवाल पूछ रहे हैं, आनंद लेना, पिछले घोटालों की जांच वांच की नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद। मैं बनारस पिछली बार आया था, बनारस भी आए थे, बनारस के लोगों ने कहा भी था कि टाइम से पहले क्यों आ गए, आपने भेज दिया। लेकिन क्रोध आता है, यही देश के कुछ नेता जब हमारे देश के सैनिक सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उन्हें सबूत चाहिए, सबूत लाओ तुमने क्या किया। मैं जवाब देना चाहता हूं, और ऐसे हर नेता को जवाब देना चाहता हूं जो हमारे फौजियों से उनके शौर्य और पराक्रम का सबूत मांगते हैं। सुन ले वो नेता कि हमारे देश का सैनिक क्या है, सुने, भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। मेरे इस तेवर को भी अगर पसंद करेंगे और तालियां यहां से वहां तक मिलेंगी तो मैं समझूंगा कि आप हंसाने की बात भी अच्छे से सुनते हैं और जगने और जगाने की बात भी आप अच्छे से सुनते हैं। मैं जगाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा, क्या है देश का फौजी,
भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, कश्मीर के कणकण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से, अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। हिंदुस्तान मोदी को गफुआ कह ले, लेकिन गौरव चौहान छाती ठोककर एक बात कहता है कि आज से 30-40 साल बाद आपकी पीढ़ियां कहा करेंगी कि एक मसीहा आया था जिसने भारत माता के सीने से 370 का खंजर निकाला, हिम्मत दिखाई थी। आप कर क्या हुआ 370 रखने से? मोदी ने बांट दी है जख्मों को अब दवाएं। एक पक्ष ये भी देखना, महंगाई पेट्रोल डीजल सब हम देख रहे हैं, इसको भी देखना। मोदी ने बांट दी है जख्मों को अब दवाएं, कविता की पंक्तियां आती हैं। मोदी ने बांट दी है जख्मों को अब दवाएं, उन पर बरस रही है श्यामल अटल दुआएं, उन पर बरस रही हैं। और ये देखिए चित्र, पहली दफा लगा है कटरा से मिली काशी। अगली पंक्ति मेरी हिम्मत की पंक्ति है, संभाल लेना बनारस के लोग। पहली दफा लगा है कटरा से मिली काशी, डल झील तक चली है गंगा की अब हवाएं, डल झील तक। मतलब मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए, धारा हटा के धाक भी अपनी जमा गए, और हम सोच रहे थे कि 15 लाख मिलेंगे, हम सोच रहे थे कि 15 लाख मिलेंगे, मोदी हमारे हाथ में जन्नत थमा गए, मोदी हमारे, क्योंकि उनको वोट नहीं मिले। और मोदी जी क्यों जीते? एक 2019 में और उससे थोड़े से पहले एक प्रजाति पैदा हुई देश में, उस प्रजाति का विपक्षियों के पास कोई तोड़ ही नहीं निकला। उस प्रजाति का नाम था मोदी भक्त। इनकी कनपटी में तमंचा रख दो, डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, कुछ भी कर दो। और ऐसा ही हुआ। 2019 के पहले मोदी जी ने गाना गाया अपने भक्तों के नाम, भक्तों से कुछ पूछा और भक्तों ने जो जवाब दिया वैसे ही सरकार बन गई। आनंद लेना, मोदी ने कहा भक्तों तुम मेरे हो, मेरे बेटर हो, कोई राज न तुम्हें बताऊंगा, काले धन के गद्दारों की वो लिस्ट भी नहीं दिखाऊंगा, तुमको मेहनत करनी होगी, मैं फ्री की नहीं खिलाऊंगा। मोदी भक्त बोला, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 100 का पेट्रोल भर लूंगा, मैं फिर भी तुमको। और कैसे भक्त हैं, अरे महंगा हो जाए सिलेंडर तो नाले से गैस बनाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अंतिम कविता रखता हूं और मुझे विदा कर देना, कुछ जोगी राय सुना देता हूं। ग्राम दीदी पहुंची नंदी ग्राम, फिसल गई स्कूटी। अगली पंक्ति संभालना, करने को संग्राम दीदी पहुंची नंदी ग्राम, फिसल गई स्कूटी। शायद किसी ने भीड़ में से बोला जय श्री राम, फिसल गई स्कूटी। कभी पियानो बजाया कभी गाना गाया, दीदी ही जाने दीदी की माया। अरे बीजेपी वाले सत्ता वाले फूल बीन ले, और मोदी और शाह मिलकर
कुर्सी ना छीन ले। दो गुजराती डरा रहे दीदी को सुबह शाम, फिसल गई स्कूटी, फिसल गई स्कूटी, फिसल गई स्कूटी। अब कुछ जोगीरा लिखे वो सुन लीजिए आप, जोगीरा सुनिए आप, बंगाल के चुनाव का पहला जोगीरा सुनिए। ताली बजाएंगे सभी लोग, होली थोड़े मना ले। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अरे चाहे जितनी फील्ड सजा लो, बॉलिंग कर लो फिक्स, चाहे जितनी फील्ड सजा लो, बॉलिंग कर लो फिक्स, मोदी जी ही हम मारेंगे लास्ट बॉल पे सिक्स। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कांग्रेस की होली फीकी, राहुल है नाकाम। कांग्रेस की होली फीकी, राहुल है नाकाम। कैसे रंग निकलेगा उनकी पिचकारी है जाम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। उत्तर प्रदेश में सलीम भाई चले गए, उन्हें सुनने में बड़ा मजा आता। सांप्रदायिक एकता की होली हो रही है, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव का गूंजा इस होली पर गान। अंतिम पंक्ति समझना, अगली पंक्ति सॉरी। सांप्रदायिक सद्भाव का गूंजा इस होली पर गान, सांप्रदायिक सद्भाव का गूंजा इस होली पर गान। खेल रहे हैं जेल होली चाचा आजम खान। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। इस होली पर माया चुप है। अनवर भाई साहब कहाँ बैठे? अरमान भाई, अरमान भैया सुनना, बहुत अच्छी पंक्ति है। इस होली पर माया चुप है, झंडा दिया है टांग। इस होली पर माया चुप है, झंडा दिया है टांग। उनके हाथी ने ही पीली 300 लीटर भांग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और होली पर लड़के कहाँ है नौजवान साथी? ये तुम्हारे लिए कि होली पर लड़का लड़की से बोला डाल अबीर। होली पर लड़का लड़की से बोला डाल अबीर। तू बन जाए मेरी आलिया, मैं तेरा रणवीर। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और इस मंच पर जितने भी बूढ़े लोग दिख रहे हैं, ये सब बूढ़े नहीं है, ये भूतपूर्व नौजवान है। क्या बात है। और ये लोग होली पे क्या करते हैं सुनो, कि दिल के मोबाइल को लेकर बूढ़े करते डांस। दिल के मोबाइल को लेकर बूढ़े करते डांस। होरी पर ये मांग रहे हैं छोरी से बैलेंस। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा। और अंतिम, लोगों ने कहा 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। तो मोदी जी ने भी क्या कहा कि 2024 में जनता अगर न देगी प्यार, दो इस पर ताली बजाना, मुझे विदा करना। 2024 में जनता अगर न देगी प्यार, 2024 में जनता अगर न देगी प्यार, मोदी बोले क्या करना, मेरा झोला है तैयार। जोगीरा। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।